देखो चार चार स्टंट वाले भी यहाँ पे बैठे हैं, छः छः स्टंट वाले भी हैं, यहाँ तक कि सर्जरी वाले भी पेशेंट हैं, उनको फिर ब्लॉकेज हो गई है। ठीक है, ये गॉड गिफ्ट है, भगवान की देन है। जो चार स्टंट पो आके पहले पढ़ चुके हैं उनको जिंदगी भर स्टंट नहीं पढ़ने देंगे, जिसके दो पढ़ गए उसको तीसरे स्टंट की जरूरत नहीं पड़ी, ये गॉड गिफ्ट कह सकते हैं हम इसको। ये अमृत काढ़ा, जिसको अमृत काढ़े का नाम दिया गया है, अमृत काढ़े का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसने लाखों लाख पेशेंट ठीक किए हैं। आप देख सकते हैं 25 से 26 तरह की हर्ब्स इसमें डाली गई हैं, और आप देख सकते होगे कि इसको मिट्टी के बर्तन में ही या तांबे के बर्तन में ही छाना जा रहा है, और उसके बाद इसका जो सेवन है वो सेवन करने के लिए रोगियों को दिया जाएगा, वो भी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के कुल्हड़ में दिया जाएगा। आप देख सकते हैं आयुर्वेदिक पत्ती से, देखिए ये एक पर्ची मिल चुकी है, और पर्ची मिलने के बाद सरदार जी हैं जो उनको ये काढ़ा मिल चुका है। यही वो अमृत काढ़ा है, जादुई काढ़ा है, जिससे पेशेंट्स को ठीक किया जा रहा है। और बहुत सारे रोगियों का ये भी कहना है कि पहले उन्हें स्टंटिंग के लिए बोला गया था, बाईपास सर्जरी के लिए बोला गया था, लेकिन अब उनका जो इलाज है वो इस पद्धति से किया जा रहा है, आयुर्वेद पद्धति से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं टोकन देने के बाद काढ़ा मिल रहा है, पहले टोकन लिया जाता है, और मैम आपकी फ़ोन स्क्रीन पर है और उनको काढ़ा देती हैं। और आपको बता दूं जो ये काढ़ा है 25 से 26 हर्ब्स में से तैयार किया गया। मैं कहूँगा कि कैमरामैन यहाँ भी दिखाएं, मैं ऊपर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मुझे बोलने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा है। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, और बाहर तो कम से कम सैकड़ों गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स भी खड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं पहले आपको यहाँ पर एक पर्ची दिखाने पड़ेगी, पर्ची दिखाने के बाद आपको काढ़ा मिलेगा, और ये जो काढ़ा है इसको तैयार करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। और इसके बाद जो आपको काढ़े के लिए जो पुड़िया है इन्होंने बनाई हुई है वो आपको घर के लिए दे दी जाएगी, और उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो गोलियां हैं, मेडिसिन है, अगर आप हार्ट के रोगी हैं, आपको शुगर की दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात है जो आचार्य जी का कहना है कि अगर आप डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर सकते तो आप यहाँ मत आइए, अगर आप डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर सकते तो आप यहाँ मत आइए, क्योंकि इनका कहना है कि जो हम डाइट चार्ट देंगे आपको वो डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारी दवाई से आपका इलाज होगा। आप देख सकते हैं पहले ये काढ़ा पिलाया जा रहा है, ये काढ़ा वात, पित्त और कफ, और लगभग 150 रोगों में ये काम करता है काढ़ा। वात, पित्त और कफ हमारे तीन के ऐसे तीन चीज़ें हैं, अगर हमारे वात, पित्त, कफ को हम बैलेंस कर लें तो अनेकों रोगों से हमें निवारण मिल सकता है। 150 के लगभग जो रोग हैं वो वात, पित्त और कफ से जुड़े हुए हैं, वात, पित्त, कफ रोगों का इलाज करने के लिए ये काढ़ा पिलाया जाता है, और 30% बीमारियां इस काढ़े से ठीक हो जाती हैं। धन्यवाद। देखो चार चार स्टंट वाले भी यहाँ पे बैठे हैं, छः छः स्टंट वाले भी हैं, यहाँ तक कि सर्जरी वाले भी पेशेंट हैं, उनको फिर ब्लॉकेज हो गई है। ठीक है, ये गॉड गिफ्ट है, भगवान की देन है। जो चार स्टंट पो आके पहले पढ़ चुके हैं उनको जिंदगी भर स्टंट नहीं पढ़ने देंगे, जिसके दो पढ़ गए उसको तीसरे स्टंट की जरूरत नहीं पड़ी, ये गॉड गिफ्ट कह सकते हैं हम इसको। हमने पूरी हिस्ट्री में नहीं सुना अभी बिना स्टंट के किसी के ब्लॉकेज खुल जाए। हाँ, हमने भी नहीं सुना, समझ गए ना। अब यहाँ पे कितने मरीज हैं जो विद रिपोर्ट बैठे हैं, विद रिपोर्ट बैठे हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को पूछा है और उनका सभी का यही कहना है कि वो ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि स्टंट मंडलवाना यहाँ आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, वो देखो अब साइकिल चला रहे हैं। हाँ, मैंने उनका भी लिया है, वो कहते हैं मुझे गाड़ियों में घुमाया करते थे इधर से उधर, हाँ। अब मैं साइकिल चलाने लग गया हूँ, साइकिल चला रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मैं खाना पीना फुल खाता हूँ। बिल्कुल, ये हमने त्रिदोष काढ़ा बनाया था, मगर लोगों ने इसको अमृत काढ़े का नाम दिया, अमृत काढ़ा। ये संगत की देन है, लोगों की देन है। ठीक है, अब धीरे धीरे हमारे पास यहाँ पे यूपी से, बिहार से, हर प्रांत से दुनिया आ रही है, यहाँ तक कि बाहरली कंट्रियों से भी लोग हार्ट की ब्लॉकेज का इलाज कराने के लिए यहाँ पे पहुँचे। हमारा पूरा हरियाणा तो आपके पीछे लगा हुआ है, और उनका ये भी कहना है कि हम यही चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे हरियाणा में भी आए, अपने अपने अपना प्रोपकार है जो भी अपना वहाँ पर भी दें। बिल्कुल जी, कुरुक्षेत्र हम जा रहे हैं, जून में पावन धारा पे। हाँ, हो सकता जून में शुरू कर देंगे, जून में शुरू कर देंगे। ये जो काढ़ा है ये किस किस बीमारी में काम करता है, सभी बीमारी में? बात पित्त कफ में 148 बीमारियाँ आती हैं, उनमें हर एक बीमारी में इसका 30% रोल है, 30% ये सहाय है हर एक बीमारी में।
और उसके बाद आप मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन प्लस डाइट चार्ट। अगर मैं खर्च की बात करूँ तो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास खर्च उठा सकते हैं आसानी से? देखो हर देखो जो तो पैसा दे सकते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो एक आता है बहुत जिनके पास कमाई का बिल्कुल साधन ही नहीं है, तो बुजुर्ग 2500 पेंशन ले रहा है, 2500 माता ले रही है, उनसे क्या पैसा लेंगे? बहुत सुंदर बात की है, समझ गए ना। जो ज़रूरतमंद है जिनको कोई कमाई का साधन नहीं है उनके लिए इलाज की सुविधा है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ पर भी है मरीज वो जिनको दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान की कृपा से दिए जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो लाइफस्टाइल है और दिनचर्या के बारे में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, दिनचर्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बीमार हो ही ना? देखो जितना जिक्र हम वेस्टर्न कल्चर को छोड़ते नहीं है ना, नेचुरली पे आएंगे, कुदरती पे, फ्रूट सलाद पे, तब तक हम नहीं बच सकते। हमारा सबसे ज़्यादा जोर यही लगा है कि जब से ज़्यादा जितना हो सके आयुर्वेदिक को प्रचार कर सके और लोगों को कुदरती नेचुरली पे लाया जा सके। तो सर ये आप लेके भी आए हुए हैं ये जो आपने डाला है? हाँ भैया, ये ना इसमें 25 से 26 तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ डलती हैं, 16-17 तरह के पत्ते डलते हैं। ये काढ़ा कच्चे बर्तनों में ही बनता है, कच्चे बर्तनों में पिलाया जाता है, ठीक। ये हर मरीज को पिलाया जाता है जिसको जिसकी ज़रूरत होती है। 25 से 26 तरह के हर्ब्स मिलते हैं? हाँ हाँ। और जो ये इसमें है ये पुड़िया बनाई हुई है, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये जड़ी बूटियाँ हैं। एक सबसे कमाल की बात लगी, जो आप कर रहे हो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ना सत्य किसी तरह का प्रमाण अपने जीवन में चाहता है। आप जो काम कर रहे हो वो जो कह रहे हो और वो ही कर रहे हो, ये नहीं कि बात आप काढ़े की कर रहे हो और बर्तन आपने दूसरे प्लास्टिक के रखे हुए हैं जो कैंसर को बुलावा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो वही मतलब नेचुरल नेचर के साथ जोड़ रहे हैं हम लोग, लोगों को खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेचर के साथ जोड़ें। और सबसे बड़ी बात है कि डाइट जो हम लोग लोगों की डाइट को सुधार रहे हैं कि डाइट आप लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए और अच्छी डाइट लीजिए, हर्बल्स की लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजेस खाइए, ठीक है। जैसे लोग फास्ट फूड में अब ज़्यादा विश्वास करते हैं कि ज़्यादा घर बनाना पड़े, ये चीज़ ले आओ फास्ट फूड भी खा लो घर से, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग जो है कंडेम करते हैं कि आप लोग जो है ना नेचुरल कोई भी चीज़ नेचुरल बनाइए, घर में खाइए आराम से, ठीक है। तो सर 3 वाइट पॉइजन के बारे में, शुगर, मैदा और चीनी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और अभी मैंने हाल फिलहाल में साउथ में भी एक सेंटर में विजिट किया था, वो बात प्राचीन सभ्यता की चल रही थी वहाँ, लेकिन डिस्पोजिबल बर्तनों में प्लास्टिक में खाना दिया जा रहा था, लेकिन आपके यहाँ पर बिल्कुल वैसा नहीं है, देखना चाहूँगा पीतल के बर्तन हैं जो हमारी परंपराएं थी। इन 3 वाइट पॉइजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये ना इनसे पूछिए, ये हार्ट के मरीज थे, हाँ जी, इनका मैंने डाइट चार्ट बनाया और दवाई खा रहे। अब एक महीने का मेरा एक कितना हो गया जी? दो महीने हो गए। कितना फर्क है तुम्हारा? ये फर्क पूछा, फर्क आधा हो गया, फर्क तकरीबन लेकिन ये दुआएं हैं जो आप कमा रहे हो, तो एक अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? जिंदगी का सलमान खान 90% चैरिटी में दे रहा है, 10% कमाई वो खा रहा है, उसी के मार्गदर्शक पे चला। बहुत बहुत सुंदर बात की, धन्यवाद डॉक्टर।